हाँ, हेलो दोस्तों, कहता नमस्कार। है? दोस्तों, मैंने जो अगले वीडियो में एलईडी बल्ब को सीलिंग फैन के कंडेंसर से बनाने का नियम बताया था, आज उनको किस तरह से इस कैबिनेट में इंस्टॉल करना है वह मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप दो मेन सप्लाई वाले तार निकालेंगे, एलईडी बल्ब का जो पैनल होता है इस तरह से, इस पैनल को दोस्तों, ये जो इनका ये होता है, इनको निकाल देना है दोस्तों। ये कवर को इसमें से निकाल देना अच्छा, है, इस कवर को दोस्तों इसमें से निकाल देना है। जैसे कि ये होल्डर में जो फंसता है, इनको यहाँ से ओपन करके हटा देना है, और इस तरह से इसमें वो जितने भी कंडेंसर डायोड हमने बताए थे सबको इसके अंदर में इंस्टॉल कर देना है, जो कि इस तरह से बना हुआ रहेगा, जो कि इस तरह से बना हुआ रहेगा आपको। तो इसको दोस्तों इसके अंदर में इंस्टॉल करना है। जो कि देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से जो हमने बनाए थे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो दोस्तों ये बन जाएंगे, इस तरह से जो ये बनेंगे, इनको क्या करना है कि इस डब्बे में जो इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले इसका जो ये पैनल होता है, ये पैनल को निकाल देना है, जो कि होल्डर में कैप लगता है, कैप को निकाल देना है। निकालने के बाद इसको क्या करना है, इसके अंदर में सारे इसके अंदर में सारे कुछ को डाल देना है। डालने के बाद जो आपका दो मेन तार निकलेगा उसको इस तरह से ऊपर के भाग में निकाल देना है, और ये जो कंडेंसर है इनको इसमें सटा के टैप मार देना है। टैप मारने के बाद दोस्तों, अब इसको हम जला के देखते हैं कि हकीकत में ये सटीक हुआ है कि नहीं। इसमें डालने के बाद अब देखना है दोस्तों कि ये जलता है या नहीं, क्योंकि तो हमने जो इंस्टॉल कर रखे हैं। देखिए दोस्तों, ये बल्ब जल चुका है इनको जो हम इंस्टॉल किए हैं, और देखिए निकालने पे ये बंद हो गया। इस तरह से आप इंस्टॉल करके इसको कहीं भी लटका सकते हैं और अपने रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि हमने दो एक कंडेंसर लगाए थे, वो कंडेंसर को भी आप ज़रा देख लीजिए। कंडेंसर को इस तरह से इंस्टॉल करना है, जो कि 2.5 का है, और दोस्तों इस तरह से हो जाने से आपका जो बल्ब डिफ्यूज हो जाता है इस तरह से, और फेंक देते हैं तो उसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से बनाना है, और आपको सिर्फ उसी कैबिनेट में फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसको इस तरह से इनको आकार दे देना है, क्योंकि हम लोग खूब बना बना करके आदमी को दे देते हैं। और दोस्तों, यह बल्ब जल्दी डिफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ये सर्किट लगा हुआ रहता है ये थोड़ा असेंबल होता है, इसलिए ये सब सर्किट जलने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन इसमें जो ये डायोड से हमने बनाए हुए हैं, इसका कोई भी ख़तरा नहीं है और ना ही जलने का कोई चांस है। तो दोस्तों, आप अगली वीडियो में जो हम समझाए हैं बनाने के लिए, उस तरह से बना के और इस तरह से आप इंस्टॉल करें और बल्ब को जलाएं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इलेक्ट्रिशियन अमित अमन आप लोगों को जो भी कुछ बताऊंगा, फिर उसका कुछ ना कुछ तरीका निकाल के लाऊंगा कि किस तरह से इंस्टॉल करना है उनको, क्योंकि अगर आप वैसे ही लटकाते हैं तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर इसके अंदर आप पैक कर देते हैं तो रोशनी भी आएगा और काम भी होगा। और दोस्तों, आपका जो ये 100-150 का बल्ब लेते हैं तो वह भी बन जाएगा दोस्तों। इसको बनाने के लिए दोस्तों ये सिर्फ इस तरह से चार डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर करना है। तो एक डायोड को मान लीजिए 1 रुपया हुआ, तो चार डायोड का 4 रुपया हुआ। और ये जो दोस्तों इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर कहीं आपको ढूंढने नहीं जाना है, उसी किट में लगा रहता वो है। जो किट आप निकालिएगा उसी के अंदर में ये लगा हुआ रहता है। तो एक निकाल लीजिएगा जिसका नंबर रहेगा आपको
47 म्यू एफ बाय 100 वोल्ट रहेगा। और दोस्तों इस तरह से बना लीजिए, सिर्फ डायोड 60 रुपया का लाना है, बाद बाकी कंडेंसर उसी में रहता है, और उसको सोल्डिंग करके आप इस तरह से बल्ब को आकार दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने वर्कशॉप पे आपको ये करके दिखाया हूँ, और बनाइए दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो कर ही दे दोस्तों, क्योंकि मैं नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ और सटीक वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ में बेल आइकन को दबाना।